वो एक दूसरे से काफ़ी विभिन्नता रखते हैं और उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से वेरिएशन और डिसिमिलैरिटीज़ को शो करते हैं तो इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और क्लासिफिकेशन uh, और इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है और ये जो क्लासिफिकेशन की हायर है ये किसने दी थी ठीक है और इसके अलावा इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या एनिमल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे चारों ओर बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी वेरिएशन रखते हैं इनमें कुछ जीवों में सिमिलैरिटीज पाई जाती है तो कुछ जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस रखते हैं और यानी कि उनमें डिसिमिलैरिटीज भी पाई जाती है अब कंपैरिजन करें आपकी और आपके फ्रेंड की तो आप में भी काफी डिफ्रेंशिएशन है जैसे कि हाइट को लेके क्या आपकी हाइट आपके फ्रेंड की हाइट के इक्वल है सेम है आपकी नोज जो है वो क्या सेम है और नोज के अलावा अगर हम बात कर लें तो हमारे कानों का जो आकार है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है हमारे कानों की जो ईयर लोब्स होते हैं हमारे वो एक दूसरे से यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की आप लोब्स को कंपैरिजन करोगे या कंपेयर करोगे तो वो क्या होता है उनका जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है ठीक है तो हमारे कानों का आकार नोज़ का आकार जो है एक दूसरे से काफी डिफरेंट है ठीक है और सिमिलर नहीं होता है और हमारे हाथ की हथेली जो है उसका शेप भी जो है बड़ा छोटा होता है फिंगर्स जो होती हैं लंबी होती हैं छोटी होती हैं तो काफी वेरिएशंस पाई जाती है में भी एक दूसरे से और अगर हम हमारी कंपैरिजन या हमारे फ्रेंड्स की कंपैरिजन अगर हम मंकी से करें तो क्या होगा हम क्या बोलेंगे क्या हम और जो हमारा फ्रेंड है या आप हैं आपका फ्रेंड है वो क्या मंकी से कंपैरिजन करने पर सिमिलर रहेंगे तो स्टूडेंट्स जो मंकी हैं वो आपने आ, सुना होगा कि वो हमारे पूर्वज होते हैं एंसेस्टर हैं हमारे तो धीरे धीरे जो अर्ली मैन पहले जो है पहले एप्स वगैरह जो बंदर थे उन्हीं से जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई है ऐसा इवोल्यूशन कहता है हमारा जो एंसियन टाइम में जो आदि मानव पाए जाते थे आ, वो जो है पहले बंदर से जो है मानव बने हैं और मानव से फिर इंसान यानी कि हम जो है सिविलाइज पीपल बने और मंकी से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत हद तक जो है हम हमारे उसके गुण जो है मिलेंगे ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि जो बंदर होते हैं वो हमारे एंसेस्टर माने जाते हैं पूर्वज माने जाते हैं या जो है बंदर ऐसा कहा जाता है कि बंदरों में ही इवोल्यूशन हुआ वेरिएशन आया उनके जीन्स में और फिर जो है ह्यूमन बने ठीक है मॉडर्न मैन बना अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है आ, इस एक्टिविटी में है ना दो काउज हैं एक काउ है देसी काउ और एक है जर्सी काउ और दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है और कंसीडर करना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है या क्या क्या सिमिलैरिटीज है डज अ देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ तो क्या जो देसी काउ होती है वो जर्सी काउ की तरह दिखाई देती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे नो नो दे बोथ आर डिफरेंट क्यों ये दोनों डिफरेंट क्यों होती है क्योंकि देसी काउ जो होती है वो जर्सी काउ से डिफरेंट होती है आप दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करेंगे तो उन्होंने उसमें उनमें काफी डिसिमिलैरिटीज पाई जाती है ठीक है डू ऑल देसी काउस आई क्या सभी देसी काउस एक जैसी होती हैं नो डिफरेंट होती हैं देसी काउस भी कलर uh, का डिफरेंस आता है और uh, इसके अलावा स्किन कलर हाइट का डिफरेंस आता है और बॉडी uh, की लेंथ का डिफरेंस आता है ठीक है तो सारी देसी काउज एक जैसी नहीं होती सारी देसी काउज भी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है विल बी विल वी बी एबल टू आइडेंटिफाई जर्सी काउ इन अ क्राउड ऑफ देसी काउज दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर क्या हम एक जर्सी काउ को देसी देसी काउज यानी जो देसी गाय है उनके ग्रुप में या उनके क्राउड में हम क्या जर्सी काउ को पहचान सकते हैं पहचान सकते हैं यस द जर्सी काउ कैन बी अ क्राउड ऑफ देसी जर्सी काउस होती हैं, उन्हें देसी काउस के क्राउड में या भीड़ में पहचाना जा सकता है या झुंड में पहचाना जा सकता है वॉट इज द बेसिस ऑफ और आइडेंटिफिकेशन अब अब किस बेस पर आप उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे यहां पर बात जो हो रही है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है और इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे हम हमारे टॉपिक के नजदीक आ रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर होता है वो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस के बेस पे होता है तो आइडेंटिफिकेशन या हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो वो किस बेसिस पे करेंगे या हमारे आइडेंटिफिकेशन पर करेंगे तो उसके बेस पर करेंगे तो उसका जो है क्या पॉइंट होना चाहिए तो पहला पॉइंट जो है स्किन कलर हो सकता है हाइट हो सकती है बॉडी स्ट्रक्चर हो सकती है तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी डिजायर्ड कैटेगरी है वो कैसे बनेगी तो डिज़ायट कैटेगरी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर बेस होती ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे कि मैंने आपको हाइट बताया और स्किन कलर बताया बॉडी डिजाइन बताया तो ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और यही आइडेंटिफिकेशन का जो यूज है वो क्लासिफिकेशन में होता है ठीक है और हम जानते हैं कि हमारे प्लानट अर्थ पर बहुत सारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया यानी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है वायरस है फंगस है एलगी है और प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ है तो ये माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जो कितने छोटे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं और जो हमें हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप uh, का यूज uh, करना पड़ता है ठीक है तो माइक्रोस्कोप जो है हम जानते हैं इसका यूज कहाँ होता है आप सभी ने क्लास में देखा है और इसका यूज हम लैब में करते हैं और किस लिए करते हैं माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें देखने में क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है उन्हें दस गुना बड़ा करके दिखाता ठीक है तो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें हमें हमारी इन आंखों से यानी कि नेकेडाइज से नहीं दिखाई देते हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली दिखाई देते हैं ठीक है तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और अगर हम बात करें तो इतने छोटे बैक्टीरियाज जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते हैं वो भी पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर और कुछ तो इतने बड़े होते हैं जैसे कि ब्लू वेल और हमारा जो रेडवुड ट्री है जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है इसकी लंबाई तीस मीटर है तीस मीटर सॉरी जो ब्लू वेल होती है उसकी लंबाई बीस मीटर तक लंबी होती है इसका जो बाहर होता है तीस हाथियों के बराबर होता है और कैलिफोर्निया का जो रेडवुड ट्री है जो बहुत पुराना है और ये सौ मीटर्स इसकी जो ऊंचाई है वो सौ मीटर्स इसकी जो लंबाई सौ मीटर्स तक है तो रेडवुड वो ट्री जो है सौ मीटर की दूर डिस्टेंस तक फैला हुआ है ठीक है और कुछ पाइन ट्रीज होती हैं जो कि हजारों साल तक जीवित रहते हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जैसे कि बरगद का पेड़ है और पाइन ट्रीज होते हैं जैसे कि डेढ़ डेढ़ साल तो हजार हजार साल तक जीने वाले पेड़ पौधे भी जो है पाए जाते हैं अर्थों पर और पेड़ पौधों की बात यहाँ पर इसलिए हो रही क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इंसेक्ट वगैरह जो कि क्रॉल करते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखे गए हैं ठीक है तो इनकी कंपैरिजन इसलिए की जा रही है कि कुछ पौधे या पेड़ ऐसे हैं जो कि हजारों वर्ष तक जीवित होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही सेकेंड में या कुछ ही दिनों में मर जाते हैं जैसे कि कीट पतंग होते हैं बारिश के दिनों में जो इंस, इंसेक्ट निकलते हैं या मौत निकलते हैं उनका जो लाइफ स्पॉन होता है वो बहुत ही कम दिन का होता है ठीक है और और इनमें कलर्स में भी वेरिएशन होता है कि कुछ जो लाइफ्स हैं लाइफ फॉर्म्स हैं वो कलरफुल होती हैं कुछ कलरलेस होती हैं कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं कुछ आ, चमक चमकने वाले वॉर्म्स होते हैं जैसे जुगनू है ग्लो वॉर्म्स हैं फायर हैं ये क्या करते हैं रात में टिमटिमाते हैं ठीक है फ्लावर्स जो हैं ये कलरफुल होते हैं तो ये जो है वे विलड वेराइटी ऑफ लाइफ जो कि हमारे चारों पाई जाती है ये करीबन लाखों करोड़ों ही अर्थ पर है और जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी तब से ही ये चीजें अर्थ पर धीरे धीरे जो है इन, इनका पता लगाया गया ये अर्थ पर पाई जाती है और ये अर्थ पर <coughs> काफी जो है वेरिएशन रखती है डायवर्सिटी रखती है इसको ही कहते हैं डायवर्सिटी की डायवर्सिटी में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आकार रंग रूप में एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं लेकिन एक ही प्लेस पर एक साथ रहते हैं ठीक है अब हैं इंटेक्स क्वेश्चन वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स अब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों किया जाता है क्योंकि हमारे चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लाइफ फॉर्म्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और अगर हम उन्हें कैटेगराइज नहीं करेंगे तो उनके आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी जैसे कि हम एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं लेकिन चीजों को सेपरेट सेक्शन में रखा जाता है जैसे कि कपड़ों का जो सेक्शन होता है वो अलग होता है कटलरी का अलग होता है और जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनका सेक्शन अलग होता है ठीक है तो उनको क्लासिफाई इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो और टाइम की बचत हो चीज़ें आसानी से मिल जाएं और सिस्टमेटिक रहें ठीक है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे आ, ये जो है यहाँ पर आ, दिस ंग वेराइटी ऑफ लाइफ एन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सो वी कैन नॉट लुक एट दैम वन बाय वन तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और इन्हें हम जो है आ, एक एक करके नहीं देख सकते हैं ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं इनको क्लासीफाई कर देते हैं इनको ग्रुप में रख देते हैं अब इनको ग्रुप में रखते हैं कैसे इन ऐसी चीजें या मॉल में ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर है जैसे कि फूड आइटम्स हैं जैसे कि अनाज की जो जैसे कि गेहूँ है चावल है इनका जो आटा है फ्लोर है वो एक सेक्शन में रखा जाता है ठीक है और मसाले वाला सेक्शन अलग है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनमें सिमिलैरिटीज हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है सब्जी बनाने में ठीक है तो सब्जियों को सब्जियों में मसालों का यूज़ होता है तो उनको अलग सेक्शन में रखा जाता है उसी तरह से ऐसे एनिमल्स जो कि एक दूसरे से सिमिलैरिटीज रखते हैं एक जैसे लक्षणों को कैरेक्टर्स को शो करते हैं और सिमिलैरिटीज़ रखते हैं काफ़ी तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है एक क्लास में रखा जाता है जैसे कि स्कूल में फर्स्ट से लेकर टेंथ क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास में ही जाकर स्टडी करेंगे और टेंथ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंथ क्लास में ही जाकर स्टडी करेंगे ठीक है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको ग्रुप में रखा जाता है और उनको एक क्लास में बांटा जाता है क्योंकि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो टेंथ क्लास में की स्टडी नहीं कर सकता टेंथ क्लास का बच्चा जो कि ऑलरेडी फर्स्ट क्लास से पास आउट हो चुका है तो टेंथ क्लास की स्टडी करेगा ठीक है तो ये सिमिलैरिटीज है कि वो एक ही एज के एक ही एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको एक ही क्लास में रखा जाएगा ठीक है जैसे कि फिफ्टीन ईयर्स के बच्चे हैं तो उनको नाइन्थ क्लास में रखेंगे सिक्सटीन ईयर्स के हैं तो उनको टेंथ क्लास में रखेंगे ठीक है तो सिमिलैरिटीज रखने वाले जो चीजें हैं उनको एक ग्रुप में कर, अरेंज किया जाता है उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर और ऐसे ऐसी चीजें जो कि डिसिमिलर हैं जिनमें डिसिमिलैरिटीज हैं वेरिएशन हैं तो उनको उनसे अलग कर दिया जाता है और जो डिसिमिलर चीजें हैं उन वो किसी ना किसी चीजों से तो मिलते होंगे उनके गुण तो या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ जीवों से तो विभिन्नता रखते हैं लेकिन कुछ जीवों से समानता रखते हैं तो उनको उस ग्रुप में रखा जाता है उनकी क्लास में रखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फर्स्ट uh, क्वेश्चन का कैसे करेंगे वी हैव ंग वेराइटी ऑफ लाइफ एंडराइटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्पान लाइफ फॉर्म सो वी कैन नॉट लुक एट दायव टू मे ग्रुप्स और क्लास और क्लासीफाई दे बेसिस ऑफ देर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज तो आप यहां से बुक में से फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पे This, uh, ये जो है यहां से यहाँ तक दिस वे विराइटी ऑफ लाइफ अराउंड है गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू ठीक है तो आपको तीन एग्जाम्पल्स देने हैं और uh, मतलब उनमें uh, जो हमारे चारों ओर लाइफ फॉर्म्स या जीव या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं Uh, उनमें वेरिएशन बताने के लिए आपको uh, तीन एग्जांपल्स देने हैं तो स्टूडेंट्स हमारे चार और बहुत सारे uh, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वेरिएशन रखते हैं जैसे कि इंसेक्ट की कंपैरिजन हम अगर वेल से करें तो बहुत डिफरेंस है और जैसे यहाँ पे बताया गया माइक ये जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया uh, है बहुत छोटे होते हैं माइक्रोमीटर में होते हैं दिखाई नहीं देते आंखों से ब्लू वेल कितनी बड़ी होती है तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं रेड वुड ट्री कितना बड़ा होता है पाइन ट्री की लाइफ लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है हजारों वर्ष तक जिंदा रहते मतलब जीवित रहते हैं ये पेड़ और जबकि इंसेक्ट की जो लाइफ होती है बहुत ही लाइफ स्पान जो होता है जीवन चक, चक्र या जीवन काल जो होता है बहुत ही कम वर, कम दिनों का होता है तो कुछ जीव तो ऐसे हैं जो कि हजारों साल जी रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि दो तीन दिन में ही मर जाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स तो आपको कंपैरिजन करके बताना है और इसमें ये वाला आंसर लिखना है ठीक है तो स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन का मतलब जो है क्लासीफिकाई या हम आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं सबसे पहला क्लासीफिकेशन का जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ठीक है तो आइडेंटिफिकेशन करने के फायदे क्या हैं कि हम चीज़ों को क्लासीफाई कर पाते हैं और इससे हमारा क्या फ़ायदा है इससे हमारा ये फ़ायदा है कि हमें उनके बारे में पढ़ने में आसानी होती है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और सिस्टमेटिकली अरेंज रहते हैं ठीक है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो हम देखेंगे और uh, ये लिविंग थिंग्स को ग्रुप में बांटने का जो पहला प्रयास है वो किसने किया था uh, ये जो है बहुत पह, बहुत कई सालों सदियों पूर्व की बात है ये पूर्व की एक ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और ये बायोलॉजी के फादर हैं जिन बायो हम पढ़ रहे हैं और ये बायो इन्हें बायोलॉजी का फादर कहा जाता है तो पहले इनके दिमाग में आइडिया आया था कि इतने सारे एनिमल्स हैं बहुत ही वेराइटी के वाइड वेराइटी के हैं इनको कैसे पहचाने किसको किसकी कैटेगरी में रखें किसको किसके साथ ग्रुप करके रखें तो इन्होंने क्या किया है ये आइडिया दिया था कि इन्हें एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रुप में बांटा जाए तो उन्होंने क्लासीफाई किया एनिमल्स को किस बेस पर किया था ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड में पाए जाते हैं और ऐसे एनिमल जो कि वाटर और एयर में पाए जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीका था जिससे लाइफ को देखा जाए या समझा जाए कि लैंड में रहने वाले एनिमल्स जो हैं जिस तरह से हम जानते हैं लैंड में रहने वाले एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं उड़ने वाले एनिमल्स को अलग कैटेगरी में रखा जाता है उनको एरियल एनिमल्स बोलते हैं पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स को अर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं पानी में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं ठीक है और ये जो है हम मैं आपको बता रही हूं ये चीजें एक्वेटिक एनिमल अर्बोरियल एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स तो ये जो है ये ऑलरेडी क्लासिफाइड हो गए हैं ये मॉडर्न टाइम में क्लासिफाइड है इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता पा बता रही हूँ लेकिन एरिस्टोटल को जब ये आइडिया आया था जब क्या था उन्होंने उसको एनिमल्स को लैंड वाटर और एयर पर पाए जाने के या एयर में वाटर में पाए जाने के या उसमें रहने के योग्य एडेप्टन के आधार पर उन्होंने जो है जीवो को क्लासीफाइड किया था और जो कि इसमें काफ़ी गलतियां हुई कई प्रॉब्लम्स आई जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि समुद्र में रहते हैं जैसे कोरल्स हैं वेल्स हैं ऑक्टोपस हैं स्टार फिश और शार्क ये सभी एक साथ जो है ये सभी जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी में रहते हैं ठीक है लेकिन इन सभी के गुण इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी डिजाइन में बहुत वेरिएशन थी एक दूसरे से काफी साइज में डिफरेंस था इनके हाइट में लेंथ में और इनकी स्ट्रक्चर में काफ़ी वेरिएशन था ठीक है कोरल जो है ये प्लांट्स की तरह होते हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये जीव होते हैं इसे जो कि इनकी बॉडी का कोई स्पेशल डिजाइन नहीं होता है सिंपल डिजाइंड होते हैं ठीक है थीके? अब शार्क जो होते हैं ये कार्निवोर्स होती है शिकारी होती है ये और ऑक्टोपस है और स्टारफिश है वेल्स हैं ये सब क्या है अलग अलग कैटेगरीज के, के जीव हैं लेकिन उन्होंने पानी में रहने वाले जीवों को जो कि एक दूसरे से काफी विभिन्नता रखते थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया तो इसमें काफी गलतियां हुई और हम देख सकते हैं कि इनमें काफी डिफरेंस है वेल जो है साइज में सबसे कितनी बड़ी होती है ऑक्टोपस का बॉडी डिजाइन स्टार फिश से कितना डिफरेंस है कितना डिफरेंट होता है तो उन्होंने हैबिटाट है मतलब आवास, आवास जहां पर जीव पाए जाते थे जैसे कि पानी में रहने वाले जीवों को वाटर में रहने वाले जीवों को अलग कैटेगरी कर दी एयर में रहने वाले जीवों से और जो हवा में उड़ते हैं उनकी तुलना जो है उन्होंने लैंड पर रहने वाले और वाटर में रहने वाले जीवों के आधार पर की और उनको तीन अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जो कि फेल हो गया जो ये आइडिया फेल हो गया अब हमको एक स्पेसिफिक आइडिया जो है इसके लिए आगे चल के एक स्पेसिफिक आइडिया मिला जो कि काफी समय बाद मिला और जब तक यही चीज सोची जा रही थी कि एक कोई जो है बॉडेस्ड डिवीजन मिले जिसमें ऑर्गेनिजम्स को बांटा जाए अब फिर आइडिया आया उनका सब ग्रुप बनाने का डिवीजन करने से पहले उनका सब ग्रुप बनाया और ये जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस थी और ये जो है नए कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पर यूज की जाने लगी ठीक है सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन के बारे में जाने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लक्षण इसको हिंदी में हम लक्षण गुण बोलते हैं अगर हमको किसी को क्लास किसी ग्रुप को या किसी ग्रुप के एनिमल को क्लासिफाई करना है तो क्या करेंगे हम बहुत सारे एनिमल्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कैरेक्टर्स के तो उनको क्लासिफाई करना है तो क्या करेंगे ऐसे एनिमल जो कि एक दूसरे से समानता रखते हैं उनको एक ग्रुप में रख देंगे और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं और वो डिफरेंस रखने वाले एनिमल जो हैं उनको हम उनसे सिमिलर दिखने वाले या उनसे मिलते जुलते गुणों के आधार वाले एनिमल्स की कैटेगरी में अरेंज करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक है तो पहला जो आधार है वो इसका क्या है आइडेंटिफिकेशन uh, है दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इनको अरेंज किया जाएगा uh, यानी जो क्लासिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस, बेस पर किया जाता है पहले तो जीवों को पहचानना फिर उनके लक्षणों को देखना इस तरह से हम क्या कर सकते थे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को uh, जो है फाइंड कर सकते थे है ना ये हम बात कर रहे हैं पहले अरिस्टोटल के बाद के समय की जो बात है अरस्तु अरिस्टोटल जो कि बायोलॉजी के फादर थे उनके आइडियाज के बाद के जो आइडियाज थे अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है जैसे कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी डिफरेंस रखते हैं और जैसे कि हमारे हाथ की फिंगर्स हैं तो हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं एक दूसरे से काफी अलग है और हमारे हाथ की हथेलियों में जो है एक दूसरे से तो डिफरेंस है हमारे हाथ लेकिन हमारे हाथ की जो पांच उंगलियां है वो पांचों भी साइज में क्या है डिफरेंट है एक दूसरे से तो जो छोटी छोटी चीज के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया अब जैसे कि हम दौड़ सकते हैं क्या बेन ट्री यानी बरगद का पेड़ दौड़ सकता है नहीं लेकिन हम भी और बरगद का पेड़ भी है लेकिन बरगद का पेड़ दौड़ नहीं सकता क्यों क्योंकि वो फिक्स क्यों, होता है जमीन से या ग्राउंड से फिक्स होता है लेकिन हम जो होते हैं हम हमें मूवमेंट पाया जाता है लोकोमोशन होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ते हैं ये हमारा कैरेक्टर हो गया ठीक है कंपैरिजन भी हो गया अब जैसे कि आ, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि उनको हम बहुत ही फंडामेंटल या बेसिक माने जो कि जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके आधार पर जो है हम क्या करें कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें जैसे कि हम बात करते हैं स्टोन वॉल की एक पत्थर की दीवार है पत्थर की दीवार जो है उसमें उसको बनाने में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स यूज करते हैं ठीक है तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि आ, इसमें यह मैटर नहीं कहता कि सारे जो स्टोन्स होते हैं वो एक ही साइज क्यों हमें क्या बनाना है दीवार बनानी है दीवार बनाने में जो भी स्टोन्स यूज होंगे सारे स्टोन्स जो है दीवार में लगाए जाएंगे अरेंज किए जाएंगे ठीक है तो एक ही तरीका है क्लासिफिकेशन का जो स्टेप वाइज स्टेप जो है इनमें जो है इम्प्रूवमेंट होता गया जो मिसलीडिंग हुई उसका उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया धीरे धीरे तो वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरकी ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन में जो है हम जितने भी म्यूचुअली रिलेटेड जो लक्षण है गुण हैं उनका यूज करेंगे और हायरकी का मतलब होता वर्गी करन, है वर्गीकरण करना या बांटना अब आजकल जो है हम इन दिनों जो है क्लासिफिकेशन के लिए क्या करते हैं जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने चैप्टर सिक्स में पढ़ा है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हुए हैं उनकी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है इवन अवर बॉडी इज ऑल्सो मेडअप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी भी सेल से बनी है तो सेल्स के नेचर पर जो है ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है तो कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर uh, हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेल्युलर हैं तो सारी uh, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ये हम उनके कैरेक्टर्स के बेस पर उनको बांट देते हैं और लिविंग uh, ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन है वो हम उनकी बॉडी में पाए जाने वाली सेल्स के बेस पर करते हैं और सेल जो है सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है कुछ जीवों में जो है ये एक ही टाइप की सेल पाई जाती है और एक ही टाइप की सेल जिन जीवों में पाई जाती है उनकी बॉडी डिजाइन जो होते है वो सिंपल होती है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स यानी मल्टी सेल्स जिन जीवों के शरीर में पाई जाती है उनका बॉडी डिजाइन स्पेसिफिक होता है वेल well ऑर्गेनाइज होता है और सिस्टमेटिकली होता है ठीक है तो ये डिफरेंस होता है और ऐसे ऐसी हम, हम बात करें ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं सिंपल सेल से बने होते हैं उन या हम उन्हें हम यूनि बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे और ऐसे जीव जिनकी बॉडी डिजाइन जो स्पेशल टाइप का होता है हाथ पैर मुंह नाक होता है या वेल well डिजाइंड होता है सिस्टेमेटाइज होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं तो जो आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो क्लासिफिकेशन की जो है हायरार्की की हायर क्लासिफिकेशन किया गया वो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बेस पर किया गया ठीक तो है तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जो हैं और उस बेस पर किया गया मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि कॉन्क्रीट uh, का मतलब समझ रहे हैं कॉन्क्रीट uh, का जो मतलब होता है अमूर्त ठीक है तो एब्स्ट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट जो होता है वो अमूर्त होता है कॉन्क्रीट मतलब मूर्त होता है तो ऐसे मतलब जो कि हमारी बॉडी uh, के अंदर होते हैं या फिर जो दिखाई नहीं देते हैं ठीक है ठीक है जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उनसे बनी है और वो देखे जा सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जो सेल्स हैं माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखी जा सकती हैं और इस बेस पर जो है ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप की सेल्स में बांटा गया यू सेल्स और प्रोक्योरेटिक सेल्स और यू कैरेटिक सेल्स जो होती हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और इनमें एक न्यूक्लियस होता है तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा और ये जो है एक दूसरे से जो न्यूक्लियस होते हैं या इनकी जो सेलुलर प्रोसेस होती है वो एक दूसरे से जो है डिफरेंस रखती है और इन्हें एक दूसरे से आइसोलेशन में या अलग अलग रखा जाए यू सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को तो क्या होगा इनकी जो सेलुलर प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी एफिशिएंट होगी ठीक है अब इनके बारे में यानी यू सेल्स और प्रोक्यूरेटिक सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे